भारत में सालों पुराने अयोध्या फैसले की नजाकत को समझते हुए इंदौर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस रखी है। इसी को लेकर शहर में अधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में बैठकों से लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। बुधवार देर शाम पश्चिम क्षेत्र में एक मार्च निकाला गया है। इंदौर शहर हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस सौहार्द को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, इसी को लेकर पुलिस विभाग द्वारा शहर में अयोध्या फैसले की नजाकत को समझते हुए पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां थानों के बाहर विशेष रूम बनाए गए हैं, तो वहीं शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व अन्य बल को तैनात किया गया है। इसी को लेकर पश्चिम क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के अधिकारियों के निर्देशन पर एडिशनल एसपी मनीष खत्री, सीएसपी व चार थाना क्षेत्रों के बल ने संयुक्त रूप से ब्लैक मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य असामाजिक तत्व में भय का माहौल उत्पन्न करना, जो कि सौहार्द को खराब करने के लिए गलत कदम उठाते हैं, तो वहीं आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना था। फिलहाल अभी पुलिस ने बैठक कर शहर के लिए विशेष मैप तैयार किया है, ताकि शहर में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो। देखिए, जो शांति व्यवस्था पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है, तो इसलिए अभी जो हमारे अनुभाग अन्नपूर्णा के सभी जो थाना प्रभारी हैं, सीएसपी साहब हैं, पूरा जो बल है वो बलवा ड्रिल में संवेदनशील क्षेत्रों से निकल के और वहाँ से अपना फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि फोर्स को क्षेत्र की बारीक जानकारी हो, जनता में ये विश्वास हो कि किसी भी परिस्थिति में कारगर और कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। इसमें हम जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहाँ पे पूर्व में सांप्रदायिक और इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनको वहाँ पे रुक के उस क्षेत्र का पूरा मुआयना करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ और जो स्ट्रक्चरल आवश्यकताएं हैं और जो हमारे टारगेट एरिया है, जहाँ पे हमें शंका रहती है, उनमें और अधिक और प्रॉपर बल लगाया जा करके और कारगर कार्रवाई की जाए, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।